हेलो जी, पीछे देखिए कितना शानदार जगह पे आया हूँ। अब इतनी बढ़िया जगह है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल भी बड़ा आएगा। बिल आपका आएगा इतना सा, 50 से भी ज़्यादा। जी हाँ, मैं 50 कम बता रहा हूँ, 50 से भी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें हैं जो आप अनलिमिटेड खा सकते हैं, वो भी 500 रुपये के नीचे। जी हाँ, अनलिमिटेड 500 रुपये से नीचे का बिल। कहाँ पे? चलिए मेरे साथ। मैं हूँ इस वक्त जेल रोड वेस्ट दिल्ली पे, और मेरे पीछे है द बारबेक्यू इंडस्ट्री। जी हाँ, हम इस वक्त हैं हरिनगर रेड लाइट। जी हाँ, हरिनगर डिपो यहाँ का लैंडमार्क है। यहाँ का गूगल मैप लोकेशन सब डाल दूंगा, उसको फॉलो करके आप बड़े आसानी से द बारबेक्यू इंडस्ट्री में आ जाएंगे। चलिए अंदर चलिए, आपको दिखाता हूँ कितना शानदार है ये रेस्टोरेंट। तो हम इनके ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत एम्बियंस है। फर्स्ट फ्लोर पे भी सिटिंग है। चलिए कैमरा घुमा के आपको दिखाते हैं कैसा है ये रेस्टोरेंट। ग्राउंड फ्लोर के बाद हम पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। चलिए कैमरा घुमा के दिखाते हैं, ये भी है लाजवाब। द बारबेक्यू इंडस्ट्री के जीएम विकास जी हमारे साथ हैं। विकास जी, आपका स्वागत है चैनल भूखा सांड पे। मैं ये देख रहा हूँ घर के बिल्कुल मेरे पास है, और आपने तो रूप ही बदल दिया इसका। बिल्कुल सर, पेंडेमिक के बाद कुछ लोगों को सोचा था हम लोगों ने कि नया डेट के लिए दें कुछ। काफ़ी दिनों से 2015 से हम बीबीक्यू कंपनी के नाम से इसको रन कर रहे थे। बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट से उस ब्रांड को हमने काफ़ी एक्सपेंड कर लिया है। तो इसके बाद फिर हमने सोचा कि जब पेंडेमिक लोग आएँ तो उनको कुछ नया दें, तो इसलिए फिर हमने एम्बियंस पे पूरा अपना काम किया और उसको पूरा रिफाइन करके फिर इसके नाम को भी हमने रिवैम्प करके द बीबीक्यू इंडस्ट्री के नाम से किया है। और अभी आप देख ही रहे हैं कि लोगों का प्यार लगा। मैं सही कहूँगा, पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है। और टाइमिंग्स क्या रहती हैं? टाइमिंग सर, आप लंच में आएंगे तो अर्ली 12 बजे से चालू हो जाते हैं। 12 बजे से लेके हमारे स्लॉट्स होते हैं, तो 12 से 2:30 का पहला स्लॉट होता है जो अभी देख रहे हो। उसके बाद अभी दूसरे स्लॉट 2:30 से लेके 4:30 तक दूसरा स्लॉट के गेस्ट आ जाते हैं। फिर अगेन हम 2 घंटे के लिए ब्रेक पे जाते हैं। 6:30 ऑनवर्ड्स फिर डिनर स्टार्ट हो जाते हैं अपने। तो डिनर में 6:30 से लेके 9:30 तक फर्स्ट स्लॉट रहता है, फिर 9:30 से लेके टिल मिड नाइट यू कैन एंजॉय द डिनर। ठीक है, और मैं ये देख रहा हूँ एक रेस्टोरेंट ये है, ऊपर भी कुछ रिनोवेशन हुआ है। हमने ऊपर भी हमने उसको प्री पेंडेमिक से पहले हमने उसको रिनोवेट करके किया था, उसके बाद इसको किया। तो दोनों फ्लोर हमने रिनोवेट किया, 2 फ्लोर पे हमारा रेस्टोरेंट है। इसकी कैपेसिटी अराउंड 250 है दोनों फ्लोर पे। और इसके बाद उसके हमारा 2 पार्टी हॉल भी है एम्पीरिया और ब्रेस्ती के नाम से, 3rd और 4th फ्लोर। तो जिसकी कैपेसिटी जो एम्पीरिया है तो 100 से लेके 150 तक की बुकिंग्स होती हैं उसमें, और जो ब्रेस्ती है वो 50 से लेके 80 तक रहता है उसमें। और मैं ये देख रहा हूँ एक पैकिंग देखी है मैंने आपके काउंटर पर, वो क्या चीज़ है? अभी जो हमारा खाना है, जो अभी पेंडेमिक में लोग यहाँ पे आके नहीं खा पा रहे, कुछ लोग अवॉइड कर रहे थे ड्यू टू प्रिकॉशनली इसके लिए, तो फिर हमने उनको घर में बुफे के खाने को कैसे घर तक पहुँचाया, इसलिए अपना एक फैमिली बुफे बॉक्स डिजाइन कराया है, जो कि सेम फूड आपको घर पर आप मिस ना करें। जब भी पैंडमिक या ऐसी कोई सिचुएशन हो या घर पर गेट टुगेदर करने का मन हो तो आप बीबीक्यू इंडस्ट्री को घर पर ही बुला सकते हैं थ्रू द बॉक्स। थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए। तो यहाँ मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, बियर, ड्रिंक्स सब कुछ है। फैमिली रेस्टोरेंट है, फैमिली के साथ आइए, कोई स्पेशल ओकेजन है तब आइए। अभी दिखाते हैं आपको, हम बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो लीजिए हम इनके किचन में, और ये एकदम फ्रेश टिक्के निकले हैं ग्रिलर के ऊपर से। ये देखिए क्या प्यारी महक, और देखिए क्या रूप निकल के आया है, और ये जा रहा है टेबल पे। तो ग्रिलर में सबसे शानदार जो मुझे चीज़ लगती है वो ये लगती है पाइनएप्पल, और ये देखिए मैरिनेट होके ग्रिलर के ऊपर सजी हुई और ये तैयार हो रही है, थोड़ी देर में हमारे टेबल पर सर्व होगी। बराबर वाला ग्रिलर दिखाते हैं यहाँ, ये देखिए ये सोया चाप तैयार होती है, और आज के ज़माने में पनीर से ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है सोया चाप, और ये ग्रिलर मखनी मलाई वाला। तो लीजिए सीखे सजी हुई टिक्के की चिकन टिक्का तंदूरी, और रूप देखिए, रंग देखिए कितना बढ़िया मैरिनेट हुआ हुआ, और ये तंदूर में ग्रिलर के ऊपर तैयार होके ये भी जाएगा हमारे टेबल पे। तो ये देखिए टिक्की हींग मटर की, जी हाँ ये देखिए फ्राई होती हुई, कितना प्यारा रंग निखर के आया है फ्राई होके। तो लीजिए तंदूरी चिकन विंग्स,
बिल्कुल तंदूर के अंदर सजी हुई है, देखिए। और इसको मैं अभी खाऊंगा, बढ़िया सी चटनी लगा के, ये देखिए। बुफे यहाँ लग चुका है, दिखाता हूँ क्या क्या लजीज चीजें यहाँ सर्व हो रही हैं। कैमरा क्लोज लाइए। सबसे पहले स्टीम राइस कवाली पुलाव। कवाली पुलाव देखिए, चने डाल के, काले चने डाल के ये पुलाव है। मैंने खाए नहीं, आज मैं पक्का ट्राई करने वाला हूँ। अगला देखिए, वेज है दाल मखनी राजस्थानी कड़ी पकौड़ा। करी देखिए, और लाल मिर्चों का तड़का, इतनी बढ़िया खुशबू, वाजवा। आगे देखते हैं, लहसुनी कौन पालक और पनीर बटर मसाला। पनीर बटर मसाला की ग्रेवी देखिए, क्या शानदार लग रहा है। जरा पनीर लगा के देखते हैं कैसा है, ये देखिए, बढ़िया सा। और उठाते ही पता लग रहा है, बिल्कुल नाजुक सा पनीर का टुकड़ा। आगे चलते हैं, वेज में भिंडी दो प्याजा और पिंडी चने, वाजी वाह। भिंडी की शक्ल देखिए, बड़े बड़े प्याज, बड़ी बड़ी भिंडी, ओह लजीज, साथ में चने पिंडी वाले। नेक्स्ट है हॉट गार्लिक सॉस, वो भी वेज। ये सॉस वेज है, चिली गार्लिक नूडल्स हैं, ये भी वेज है। बराबर में वेज लेमन कोरिएंडर सूप, ये देखिए सूप सर्व किया जा रहा है, वेज। वेजिस डले हुए, मशरूम डले हुए, वाह जी वाह, बहुत प्यारी महक इसकी। अब हम पहुंच गए हैं नॉन वेज सेटअप में, वेज भी है यहाँ पे, नॉन वेज भी है। नॉन वेज में सबसे पहले देखिए, मैक्सिकन चिकन नूडल सूप। तो ये सूप आज ये वाला सर्व किया गया, हो सकता है जब आप आएँ तो कुछ और सर्व हो। ये देखिए चिकन के पीसेस, नूडल्स डले हुए, ये इनका सूप है। आगे आपको दिखाते हैं, ये है फिश इन ऑयस्टर सॉस, मुर्ग दम इन बिरयानी, वाह जी वाह। बिरयानी देखिए, ऑयस्टर फिश देखिए, बिरयानी की नज़ारे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये पीस में सजे हुए खड़े खड़े चावल बिरयानी के। नेक्स्ट है मुर्ग नवाबी और मटन भुना गोश्त, लाल मिर्च वाला, ये देखिए नज़ारे देखिए, ग्रेवी देखिए इसकी, ये देखिए, ओए होए, मटन के नज़ारे, लाल मिर्च ऊपर सजी हुई, तड़का मारा हुआ लाल मिर्च, भुना गोश्त इसका नाम है। ये तो मैं पक्का खाने वाला हूँ। इसके बराबर में है मुर्ग नवाबी, जी हाँ नवाबी, ये देखिए क्या प्यारी ग्रेवी लग रही है, वाह जी वाह, वाह 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 वाह, ग्रेवी देखिए। और ये देखिए सैलेड्स की वैरायटी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सैलेड्स। और ये देखिए रायता, तीन टाइप का रायता मुझे दिख रहा है, पकौड़ियों वाला, प्याज वाला, और ये पाइनएप्पल वाला, साथ में पकौड़े हैं। तो डिज़र्ट में देखिए हलवा, मूंग दाल का हलवा, और बराबर में गुलाब जामुन गरम वाले, साथ में यहाँ पे मिल रही है वॉलनट ब्राउनी, और भी यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं। हलवा गुलाब जामुन दिखाई, देखिए पेस्ट्रीज की कितनी वैरायटी है यहाँ पे। और सबसे सुंदर मुझे ये इनका लग रहा है कोकोनट पाई, बहुत खूबसूरत, बहुत वैरायटी यहाँ पे। यहाँ पे आइसक्रीम भी है, जलेबी भी है, तो भाई मीठे के शौकीनों के लिए यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो मैं इनके स्ट्रीट फूड काउंटर पे खड़ा हूँ, यहाँ गोलगप्पे बन रहे हैं, पाव भाजी बन रही है, आइसक्रीम वॉफल्स हैं, और वहाँ पे जलेबी है। आइए क्लोजअप लाइए, दिखाता हूँ। तो हम इनके डिजर्ट काउंटर पे आ गए हैं, ये आइसक्रीम का काउंटर है, स्टोन वाली आइसक्रीम, जी हाँ ठंडी आइसक्रीम बिल्कुल आपके सामने तैयार होती हुई। बराबर में वॉफल पड़े हैं, अगर आपको वॉफल पसंद है तो आप यहाँ पे वॉफल्स बनवा सकते हैं। ये देखिए गोलगप्पे, करारे करारे, बढ़िया से दो टाइप का पानी यहाँ सर्व किया जा रहा है गोलगप्पों के साथ। भल्ले यहाँ पे हैं, पालक पत्ता चाट यहाँ तैयार की जा रही है, पापड़ी चाट यहाँ तैयार की जा रही है। बराबर में आपको दिखाते हैं, पाव भाजी भी यहाँ तैयार हो रही है, ये देखिए भाजी यहाँ पे तवे पे तैयार होती है, और ये बराबर में पाव सिकते हुए। तो लीजिए मोमोज, डिमसम के दीवाने, ये देखिए यहाँ पे, ये उठाता हूँ बास्केट डिमसम, ये देखिए, ये चिकन वाले तैयार यहाँ होते हुए। बराबर में वेजिटेरियंस को भी नाराज होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी बहुत ऑप्शन हैं। ये देखिए ये पनीर वाले लग रहे हैं, देखिए पनीर की स्टफिंग हुई हुई।
थैंक यू सर। बड़े टिक्का यस जस्ट वन पीस। अफगानी चटपटा पाइनएप्पल कर दीजिए सर। हींग मटर की टिक्की वाह रखिए, दो पीस दे दीजिए, थैंक यू। आइए दिखाता हूँ आपको वेज स्नैक्स। प्लेट मेरी सज चुकी है। सबसे पहले ये है सालसा पटेटो, वाह पाइनएप्पल सबसे बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया बारबेक्यू का स्मोकी फ्लेवर है और चटकारेदार हल्का सा स्पाइस है, मज़ा आ रहा। एक प्रो टिप देता हूँ, कभी भी ऐसी जगह आओ या किसी शादी में भी जाओ, पनीर टिक्का कम से कम खाना, क्योंकि अगर आप दो चार पीस पनीर टिक्के के खा लोगे तो आपका पेट भर जाएगा और जो इतनी सारी चीज़ें हैं आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी ऐसी जगह आएँ पनीर टिक्का अवॉइड करें, या अगर खाना हो तो एक पीस से ज़्यादा ना खाएँ। बाकी स्नैक्स जितने खाए सब अच्छे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया इनका पाइनएप्पल, साथ में पसंद आई इनकी सोया चाप और ये जो क्रीमी से पोटैटो है मैक्सिकन, ये भी ला जाओ आप। तो वेजिटेरियंस आपके लिए तो भाई स्नैक्स नंबर वन है। अब नॉनवेज स्नैक्स देखते हैं। तो जब तक हमारे नॉनवेज स्नैक्स आ रहे हैं, क्यों ना डिमसम कह लो मोमोज कह लो, ये खा के देखते हैं। हाँ तो लीजिए पेश है बंजारा चिकन टिक्का, थैंक यू। तंदूरी विंग्स और साथ में सीख कबाब आए हैं, मटन सीख कबाब दो पीसेस कर दीजिए, विंग्स के भी दो पीसेस, थैंक यू। तो नॉन वेज जो यहाँ पे पैकेज लेते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ नॉन वेज खा सकते हैं, वेज भी इंजॉय कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड, और 5 साल तक के बच्चों के लिए सब कुछ फ्री है और उनके लिए स्पेशल मेन्यू भी रखा गया है, तो है ना फैमिली के लिए परफेक्ट जगह। क्रम फ्राइड फिश, तो क्रम फ्राइड फिश आ गई है प्लीज, थैंक यू। तो यहाँ मैंने अपने प्लेट में ही सब कुछ सर्व करवा लिया है, चाहे तो आप अपने ग्रिलर की फैसिलिटी है, ग्रिल भी यहाँ पे लगवा सकते हैं अपने आप, उसको अपने हिसाब से ग्रिल कर सकते हैं। तो नॉन वेज स्नैक्स आ गए हैं, चलिए इसका बताते हैं इसमें बढ़िया क्या चीज़ लग रही है मुझे। सबसे पहले मैं जाऊँगा ये देखिए कबाब, वह विंग चिली फिश आ गई है, थैंक यू। तो इतनी वैरायटी हमने खा ली है स्नैक्स की, तो ऐसी जगह आने का ये फायदा है जो आपको चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है आप उसको बार बार ले सकते हैं, जब तक आपका दिल ना भर जाए तब तक आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, ये फायदा है ऐसी जगह आने का। चिली चिकन है, तो मैं आपको बता ही रहा था ऐसे में चिली चिकन हमारे टेबल पे आ गया। हाँ जी प्लीज दो पीसेस, थैंक यू। चिली चिकन देखते हैं, अभी चिली फिश ट्राई की थी। यहाँ जितने भी नॉन वेज स्नैक्स हैं माइल्ड मसाले हैं, एक चीज़ और आ गई है, क्या लाए हो कबाब लाए हो,
ले आओ, ये तो सबसे ज़्यादा पसंद आया है हमें, लाइए सर मटन सीख कबाब, ये सबसे शानदार मुझे नॉनवेज स्नैक्स में यही लगे हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें तैयार हैं, जितनी मैंने टेस्ट की गई हैं, सबके टेस्ट बढ़ का ध्यान रख के बनाया गया है, ना बहुत ज़्यादा मसाले तेज हैं ना कम हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सबको अच्छा लगेगा। इस स्टाइल से बनाए गए हैं, इस टाइप से मसाले रखे गए हैं, मैरिनेशन इस टाइप की हैं, कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, कुछ आपको नॉर्मल लगेंगी, कुछ एवरेज लगेगी, लेकिन यहाँ पे सबके लिए बहुत कुछ है। तो मेन कोर्स में थोड़ा सा लेते हैं पनीर, भिंडी मुझे बहुत सही लग रही है लेकिन आज भिंडी का मन नहीं है, और नूडल्स बड़े सही लग रहे हैं, छोले बड़े सही लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहा इतनी सारी चीज़ें हैं। नॉनवेज की तरफ चलते हैं, नॉनवेज की तरफ। तो थोड़ी सी बिरयानी लेते हैं, चिकन मटन दोनों लेंगे, ये लीजिए, और तो ये देखिए, ओए होए 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 होए, मटन 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 देखते हैं, कैमरा क्लोज लाइए, देखिए कितना सॉफ्ट अच्छे से पका हुआ, राड़ राड़ के जिसको बनाया जाता है। तो बिरयानी पेश है, बिरयानी को हाथ के साथ ही खाएंगे, जो हाथ के साथ मज़ा है वो स्पून के साथ मज़ा नहीं है। देखते हैं, तो ब्रेड्स की सारी वैरायटी है यहाँ पे, मैंने अपने लिए तो बटर नान और पराठा मंगवा लिया है चिकन के साथ, देखते हैं कैसा है इसका स्वाद। ग्रेवी बिल्कुल ही अलग है चिकन और मटन की, वाह वेज में मैं पनीर लेके आया हूँ, इस प्लेट में सबसे टेस्टी मुझे लगा पनीर, वैसे मटन चिकन भी अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मसाले हैं, तेज ऑयल नहीं है, तेज मसाले नहीं हैं, ऐसा नहीं है कुछ खा के आपको लगेगा कि यार क्या खा लिया, क्या अजीब सा फ्लेवर आ रहा है। ये ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद आने वाली है, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, बड़ा ही ध्यान रख के ये मेन्यू सेट किया गया है, क्योंकि इतने लोग आते हैं, सबकी प्रेफरेंसेस अलग होती है, कोई तेज खाता है मसाले, कोई कम खाता है, तो यहाँ पे ऐसी प्रिपरेशन है जो हर बंदे को पसंद आएगी, हर बंदे के टेस्ट बट से रिलेटेड कुछ ना कुछ इतने बड़े मेन्यू में उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप ये वॉफल आइसक्रीम देख के सोच रहे हैं कि भाई मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया, तो ऐसा नहीं है, ये वीडियो शूट ख़त्म होते ही हमने अपनी प्लेट दोबारा सजा लेनी है, और मुझे पता है कि मेरी प्लेट में दोबारा कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं,
मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या क्या दोबारा मंगवा रहा हूँ। आप भी ऐसी जगह आइए, इतनी सारी वैरायटी इंजॉय करिए, फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए, स्पेशल ओकेजन में आइए, आइए इंजॉय करिए और वापस आके नीचे कमेंट्स में मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।